समाचार गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की क्षेत्रीय समिति की बैठक प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में एक निजी लॉन में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजदानंद राय ने बताया कि आगामी 30 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा स्तर पर भी जनसभाओं का आयोजन होगा। इसके लिए 30 मई से 30 जून तक 1 माह का कार्यक्रम व अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की तैयारी के लिए गोरखपुर क्षेत्र स्तर की बैठक गुरुवार को गोरखपुर क्लब में 2 सत्रों में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पूरे देश में इसकी वाहवाही हुई है। जनता के आशीर्वाद से भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व सफलता मिली है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कीर्तिमान स्थापित हो, इसके लिए हम सब की तैयारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 30 मई को अपना 9 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस निमित्त भाजपा ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रबुद्ध व व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा विकास तीर्थ का अवलोकन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सांसद, विधायक, राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंडल स्तर तक वरिष्ठ जन टिफिन के साथ बैठक करेंगे। सभी 7 मोर्चों पर का संयुक्त सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही विधानसभा स्तर पर केंद्र व प्रदेश सरकार के लाभार्थियों का सम्मेलन की भी योजना बनाई गई है। इसमें लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर योग दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन करना है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा बूथ स्तर पर महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जनप्रतिनिधि वरिष्ठ नेताओं द्वारा घर घर जनसंपर्क कर केंद्र और राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों का पत्रक वितरित किया जाना है। उन्होंने बताया कि आगामी 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर क्षेत्रीय जनता के साथ सुनने का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्य तभी 100% सफल होंगे जब 30 मई के पहले संगठन की योजना रचना तैयार हो जाए। इसके लिए प्रत्येक जिलों में 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति तथा 22, 23 और 24 मई को मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन करना अनिवार्य किया गया है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, बस्ती के सांसद व राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश, मंत्री शकुंतला चौहान, प्रदेश के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, दानिश अंसारी, सांसद जगदम्बिका पाल, कमलेश पासवान, विजय दुबे, प्रवीण निषाद, रविन्द्र कुशवाहा, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कमेश्वर सिंह, विधायक विपिन सिंह, महानगर राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजदानंद राय, मंत्री जनार्दन तिवारी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र समिति की आज गोरखपुर क्लब में बैठक हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के लिए विस्तृत कार्य योजना आज की इस बैठक में बनेगी। आज की इस बैठक में इस क्षेत्र में रहने वाले सभी हमारे माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारीगण और क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारीगण भाग ले रहे हैं। आज की इस बैठक में जो हम माननीय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा, हम सभी कार्यकर्ता आगे उसको परिणित फलीभूत करने के लिए प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र समिति की बैठक है और आगामी दिनों में एक संपर्क महाअभियान इस देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सफलतम कार्यकाल होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न चीज़ों को लेकर के एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही है। उसी के संदर्भ में हमने आज ये बैठक आहूत है, जिसमें हमारे सभी सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, MLC हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी उनके समिति के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी
ऐसे हम लोगों ने हर जनपदों से इस संपर्क महाअभियान के लिए 8 लोगों की एक टोली बनाई है, जो नीचे तक संपर्क महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम नीचे तक बूथ लेवल पर तक जा करके अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष की कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही भारतीय। कौन मुख्य अतिथि हैं? और आज हमारे इस बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी हैं और कुछ ही क्षणों में यह बैठक प्रारंभ। क्या लग रहा है 2024 की तैयारी है शुरू हो गई? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी 2024 हो 2027 हो ये मान के काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो सदैव समाज के बीच में, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार या उसके पहले की जो भी सरकारें रही हैं तो सरकार में आने के बाद उनके कार्यकर्ता सरकार में मस्त रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सरकार हो या ना हो हम सेवा भाव के नाते समाज में जाने का प्रयत्न करते हैं और उनके बीच में जाएंगे। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए आम जन के लिए प्रारंभ की है उन विषयों के लेकर के जाएंगे और ये प्रयत्न करेंगे कि जिनको उसका लाभ मिला है अच्छा है, जिनको नहीं मिला है आगे कैसे संगठन के माध्यम से उनके नीचे तक उनको भी लाभ मिले, ये प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव के नाते रहता है। पिछला लोकसभा चुनाव अगर बात करें तो 13 में 10 सीटें भाजपा के पास थी, आजमगढ़ भी उपचुनाव में भाजपा के पास आ गया, इस बार क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? लक्ष्य क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गोरखपुर क्षेत्र में हमारी 13 लोकसभा है, 13 में 13 हम जीतेंगे और उसके लिए हमने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्लीन शिप करेंगे और गोरखपुर में, मैंने ऐसे नगर निकाय में भी आपसे कहा था कि आप लोगों को याद होगा कि हम 60+ रहेंगे और आप लोगों ने देखा है कि अभी गोरखपुर महापौर का रहा हो चाहे पार्षदों का रहा चाहे नगर पंचायत का रहा, हमने 60+ पहुँचाया है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है हम ये तय कर लिए हैं कि हमको 13 लोकसभा है, 13 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और पुनः फिर इस देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग तिवारा प्रधानमंत्री बनाए। शाहपुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अर्जुन यादव पुत्र जिनक यादव निवासी गायघाट खुद्र थाना रामगढ़ताल जलपत गोरखपुर द्वारा दीपक निषाद पुत्र अदालत निषाद निवासी रामपुर बड़का टोला थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अर्जुन यादव अपने साथी दीपक निषाद पुत्र अदालत निषाद के साथ मिलकर दिनांक 9 मई को धर्मशाला ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक महिला से पर्स छीने थे, जिसमें वादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शाहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिनांक 12 मई को थाना शाहपुर के सामने से उपरोक्त बाइक सवार महिला से पर्स छीने थे, जिसमें वादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शाहपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में असुरन चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, उप निरीक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिंह, कांस्टेबल कमलेश कुमार बिंद, अवधेश कुमार, उमाशंकर यादव, शिव भोला शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में स्पेशली लूट जैसे अपराधों को बिल्कुल ना के बराबर करने और ख़त्म करने से शहर से एलिमिनेट करने में ऑपरेशन त्रिनेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी के कारण अभी रिसेंटली थाना शाहपुर के पास में एक सीनियर रिपोर्टर के साथ में उसके परिवार के साथ में बैग छिनैती की घटना हुई थी और असुरन पुल के पास में भी एक बैग छिनैती की घटना हुई थी। उसके बाद में पुलिस ने कैमरे खंगाले और मोटरसाइकिल का भी ट्रेस किया और उसके साथ साथ BTS के आधार पर सर्विलांस के आधार पर काम करने के बाद में पुलिस को 2 अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली। एक का नाम अर्जुन यादव है, दूसरे का नाम दीपक निषाद है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की, पूछताछ में उन दोनों लूट में शामिल होने का उन्होंने बताया है। उनसे एक रेडमी मोबाइल और एक सैमसंग कीपैड मोबाइल जो दोनों लूट के दोनों बैग के अंदर उपयुक्त किए गए थे वो दोनों बरामद किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जिस मोटरसाइकिल से ये लोग लूट करते थे वह मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि यह मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले
थाना बड़लगंज से चोरी की गई थी और चोरी करने के बाद में इन्होंने किसी मोटरसाइकिल चोर से वह मोटरसाइकिल 5000 रुपये में खरीदी थी और उसके बाद में उस चोरी की गई मोटरसाइकिल का से के माध्यम से इस लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। ये इनका कोई पीछे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये इनकी दो लूट की घटनाएं थी, दोनों की दोनों थाना शाहपुर की, और ये वर्कआउट हो गई है। इसके साथ विधिक कार्रवाई करके सुनिश्चित की जा रहे हैं कि ये लोग जेल जाएंगे और भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना भी ना कर पाए। थैंक यू। रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने लूट कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्रोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी सोपाई घाट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा राहुल शर्मा पुत्र सुनील शर्मा निवासी गाईगोला थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा विकास मणि त्रिपाठी पुत्र जानकी जीवन मणि त्रिपाठी निवासी मकान नंबर 59A मेवातीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, चौथा दीपू उपाध्याय पुत्र जयप्रकाश उपाध्याय निवासी विवेकपुरम कजाकपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 11 मई की रात में तारामंडल स्थित 96 अस्पताल में रंगदारी मांगने एवं रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई तथा दहशत फैलाने के लिए गेट का शीशा तोड़ दिया गया एवं वहां से आईसीयू में जाकर मालिक को गाली गलौज दिया गया था तथा काउंटर से 2000 रुपया जबरदस्ती ले लिया गया तथा वहां के कर्मचारीगण में दहशत फैलाने के लिए उनको भी गाली गलौज तथा मालिक को खोजा गया था। इस बात पर मालिक श्री प्रकाश शुक्ला के द्वारा थाना रामगढ़ताल में लूट एवं रंगदारी मांगने का मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियुक्त सूरज सिंह पर 25,000, राहुल शर्मा पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, उनके द्वारा पूर्व में भी कैंट थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी। इस संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी। इनका मुख्य काम हॉस्पिटल का है एवं जबरदस्ती तथा अपने यहाँ करीबी को लाकर दवा इलाज कराना तथा अपने मनचाहे अस्पताल में भेजकर दवा इलाज कराना इनका कार्य है। इनके क्षेत्र में काफी दबंगई है तथा आम लोगों में दहशत है। इनके साथ इनके साथी विकास मणि त्रिपाठी एवं दीपू उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके साथी विशाल सिंह एवं विनय यादव अभी फरार हैं। इनके ऊपर भी 15,000 का इनाम घोषित है। इनके विरुद्ध कार्रवाई के दौरान इनके पूर्व के जमानतदारों को भी समीक्षा की जा रही है तथा इनके शरणदाताओं की भी सूची तैयार कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रुपेश कुमार पाल, हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंह, कांस्टेबल मुन्ना यादव, विनीत सिंह, संजय सचिन कुमार यादव, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, रवि चौधरी, अरुण यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरिया से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, रामगढ़ताल अंतर्गत शानवी हॉस्पिटल में 11 मई को सूचना मिली पुलिस को कि कुछ लोगों द्वारा उनके हॉस्पिटल पे आके तोड़फोड़ की और रंगदारी मांगी और रंगदारी ना देने पर वहाँ से कुछ पैसे भी उठा के ले गए। इस बात पर पुलिस मौके पर पहुँची, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया और वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 395, 386, 457, 504, 506, 427 इस तरह की तमाम आईपीसी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में पता चला कि इस घटना को अंजाम देने में सूरज सिंह करके एक हिस्ट्री सीटर है, उसने वो घटना का मुख्य अभियुक्त है और उसके साथ में राहुल करके दूसरा हिस्ट्री सीटर है, वो भी इस मामले में साथ में था। पुलिस ने इस पे 25,000 एवं 15,000 रुपये का इनाम दोनों बदमाशों पर किया था। कल थाना रामगढ़ताल को इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। उसके साथ साथ अन्य 2 और अभियुक्त जो इनको साथ में उस दिन घटना में मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और एक अभियुक्त इसमें से हाजिर अदालत हुआ है और एक अभियुक्त है अभी वो वांछित है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर इस पूरे मामले का जनपद में ऑटो चालक ड्राइविंग सीट पर सवारी बैठाकर ऑटो नहीं चला सकते हैं, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि सभी ऑटो चालकों से अनुरोध किया गया है कि वो ड्राइविंग सीट पर किसी को ना बैठाएं और ऑटो में अश्लील गाने ना बजाएं क्योंकि यात्री असहज महसूस करते हैं। इसके अलावा ई रिक्शा चालक रात में लाइट ऑफ कर लेते हैं, इससे दुर्घटना हो जाती और कुछ ऑटो चालक अपनी गाड़ी के बॉडी में बम्पर निकलवा लेते हैं, उससे अन्य वाहनों को खरोच आने
की संभावना रहती है और गाड़ी का नंबर छुप जाता है। इसके अलावा सभी ऑटो चालकों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बाद ही वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, ऑटो चालकों से सभी से ये अनुरोध किया गया है कि ड्राइविंग सीट के बगल में किसी को ना बिठाएं, ऑटो में अश्लील गाने ना बजाएं, उससे यात्री असहज महसूस करते हैं और ओवरलोडिंग ना करें। इसके अलावा जो ई रिक्शा वाले हैं वो रात के टाइम पे लाइट ऑफ कर लेते हैं, ये भी गलत है, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और कुछ ऑटो वालों ने अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन करके साइड में एंगल वगैरह लगा रखे हैं, उससे सड़क पर चलते हुए यात्रियों को अन्य वाहनों को खरोंचाने की संभावना रहती है। उनसे भी कहा गया है कि बाहर की बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन ना करें। इसका ITMS के द्वारा पिछले एक सप्ताह से प्रचार किया जा रहा है, लगातार सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। अब मौके पर चौराहों पर यातायात पुलिस के द्वारा फिजिकल रूप से ऑटो को रोक रोक के बताया जाएगा, जो सवारियां आगे बैठेंगी उनको उतारा जाएगा वहां से। और ऑटो चालक इसके बावजूद भी अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऑटो को सीज किया जाएगा एवं MB एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अपील करना चाहेंगे ऑटो वालों से? यही अपील है कि जो भी नियम है वो जनता की सुविधा के लिए हैं, तो एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था इस शहर में देने में सहयोग करें। उनके लिए जो शर्तें बताई जा रही हैं उनका पालन करने में ट्रैफिक पुलिस को। गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 4th दिवस के अवसर पर कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर परामर्श ने भक्त ध्रुव से कहा कि हम सभी लोग हैं उतान पाद भगवान की संत व सदगुरु देव के रूप में आकर सही मार्ग बताकर भव चक्र को लगाते हैं पार। गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 4th दिवस के अवसर पर कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्राशर ने भक्त ध्रुव की कथा सुनाते हुए कहा कि हम सभी लोग उतान पाद हैं, हम सबकी 2 रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। हम प्रशंसा भले ही बुद्धिमानी की ही करें किंतु काम सभी मनमानी से ही करते हैं। इसी प्रकार राजा उतान पाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि थीं, पर राजा उतान पाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। सुनीति के पुत्र ध्रुव को पिता के पास जाने की इच्छा हुई, वे गए और पिता को गोद में ले जाकर बैठे। ये देखकर सुरुचि ने उनका हाथ पकड़कर हटा दिया और कहा कि जाकर पहले तपस्या करो और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ये सुनकर ध्रुव की माता सुनीति ने ध्रुव को समझाया और कहा कि बेटे, इस पिता की गोद से अच्छा परम पिता के गोद को प्राप्त करो। इस पर ध्रुव के ने नारद मुनि के बताए मंत्र से 5 महीने की तपस्या की और भगवान उनको दर्शन दिए। जैसे ध्रुव ने माता सुनीति की बात मानकर भगवान को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम सभी अपने बुद्धिमानी की बात मानकर भगवान का भजन कर उनको प्राप्त कर सकते हैं। कथा व्यास ने कहा कि जीव जब भव चक्र में भटक जाता है तब भगवान के संत व सद्गुरुदेव के रूप में आकर सही मार्ग बताकर उसे भव चक्र से पार लगाते हैं। जीव प्रंजो के रूप में होता है किंतु सदगुरु के उपदेश से अपना स्वरूप पहचानता है। भारतवर्ष का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने कहा कि भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं, एक ज्ञान योग, दूसरे कर्म योग और तीसरे भक्ति योग की साक्षात मूर्ति है। इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भारत उत्सव का देश है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो देवताओं को जलन होती है कि हमें ये सौभाग्य क्यों नहीं मिला। भारत ही ऐसा देश है जहाँ साधु संत महंत जगतगुरु आदि का दर्शन करने को मिलता है। इनके दर्शन मात्र से ये शरीर लोहे से सोना बन जाती है। संत पारसमणि होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से हमारी लोहे जैसे शरीर स्वर्ण हो जाती है, किंतु देवों की शरीर चांदी जैसी होती है। उन्हें ये पारस जैसे संत समागम का लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कथा व्यास ने कहा कि जीवन में जब भगवान की भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है तब जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं।
इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, कटक ओडिशा से योगी शिवनाथ, महंत रविंद्र दास वाराणसी से संतोष दास सतुआ बाबा, देवी पाटन से महंत मिथिलेश नाथ, योगी रामनाथ, यजमान मयंक अग्रवाल, प्रदीप जोशी, अवधेश सिंह, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर शिवशंकर शाही व बड़ी संख्या में कथा प्रेमी उपस्थित रहे। धर्मानुशासित सत्ता की पुनः प्रतिष्ठा करके चारों तरफ धर्म की ध्वजा को फहराया। परंतु राजा बने की अकड़ में रहते थे, इसलिए जड़ भरत